रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो आज के हमारे इस क्लास में हम बातचीत करेंगे आपके साथ एमएस एक्सेस के अंदर। हमने पिछली क्लासेस में बात की थी कि एमएस एक्सेस के अंदर हम किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर किस तरह के जो डेटा टाइप्स होते हैं उसके अलावा हम किस तरीके से लुकअप विजार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे कैलकुलेशंस की कि पिवट टेबल में हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे और क्या क्या फॉर्मूला है, उन फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। तो मैं एक ब्लैंक डेटाबेस क्रिएट करता हूं और मैं राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू में गया, क्योंकि कैलकुलेशन हमें हमेशा डिजाइन व्यू में होगा। तो डेटा नाम देते हैं, तो यहाँ पे आईडी हो गया और मैं यहाँ पे ऐसी फॉर्मेलिटी के लिए सी नेम कर देता हूं। एक मिनट सर, हम यहाँ पे सी नेम कर, हम नेम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि नेम हमारा रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है। यहां पे सिटी कर देते हैं और यहां पे हम कर देते हैं मोबाइल, मोबाइल नंबर को भी टेक सकते हैं। अब यहां पे रखते हैं क्वांटिटी जो कि नंबर है, और यहां रखते हैं एमआरपी जो कि वो भी नंबर है। ठीक है, एमआरपी को कैप्स कर देते हैं। हाँ, और याद रखिएगा फील्ड क्रिएट करते समय किसी तरह का स्पेशल करेक्टर मत दीजिएगा और स्पेस को भी देना अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको आगे क्यूरी में। अब यहां पे हम एमआरपी एमपीआर हो गया, एमआरपी। अब यहां पे मैं अमाउंट कैलकुलेट करता हूं। अब अमाउंट के अंदर मैं मैनुअल टाइप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि क्वांटिटी और एमआरपी दोनों आपस में कैलकुलेट हो जाए, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाए। तो आपको डेटा टाइप पे जाना है, यहां कैलकुलेटेड भी आपको दिखेगा, कैलकुलेटेड पे क्लिक करना है और यहां आप दीजिएगा एमआरपी, नहीं बड़ी ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा, एमआरपी मल्टीप्लाई बाय क्यू टू आई। अब यहाँ पे इक्वल मत लगाइएगा, क्योंकि कुछ लोग एक्सेल यूज करते हैं तो एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इक्वल से होता है, तो यहां भी वो इक्वल डालना चाहें तो इक्वल यूज नहीं कीजिएगा। एंड हमने ओके किया। अब यहां पे मान लीजिए ओके करके हम चेक कराते हैं कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो जैसे हमने यहां पे लिखा नाम, मान लीजिए पूजा, हमने क्वांटिटी सिटी दिया दिल्ली, मोबाइल नंबर 8802579388, और मेरा नंबर है, पूजा का नंबर नहीं है। और यहाँ पे 10 दिया और हम यहाँ एमआरपी मैंने 60 किया, जैसे टैब प्रेस करूंगा तो 600 यहाँ अपने आप आ जाएगा। तो अब और इसमें हम किसी तरह का चेंज भी नहीं कर सकते, अगर चेंज करेंगे तो आपको बीप 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 सुनाई देगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ओके, तो और चलिए क्या क्या कैलकुलेशन, मतलब कि आप 600 के जगह पे 700 नहीं कर सकते, वो कैलकुलेट होगी चेंज हो, अमाउंट चेंज हो। जी हाँ, अब क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए इसके अंदर जब मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और नहीं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताता हूँ आपको, जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया, डेट रिजर्व डेट है तो यहाँ पे एस डेट कर देता हूं, एस डेट, और यहां पे हम कैलकुलेटेड पे आते हैं, कैलकुलेटेड पे आएंगे तो पॉपअप आएगा। अब इसके अंदर आपको दिख रहा होगा फंक्शन, फंक्शंस में जाएंगे इनबिल्ट फंक्शंस, ये सारे फॉर्मुलेज इसके अंदर लगाए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरीज है, देख सकते हैं हम लगा सकते हैं, क्लियर है। अब एक्सेस के अंदर तीन कैटेगरी के होते हैं, जैसे एक हुआ कॉमन फॉर्मूला जो कि टेबल्स पे भी, जो कि फॉर्म पे भी, और जो कि आपका क्यूरी पे भी अप्लाई हो जाता है। दूसरा आता है कि कुछ फॉर्मूले सिर्फ फॉर्म पे अप्लाई होते हैं और कुछ फॉर्मूले जो सिर्फ क्यूरी पे इस्तेमाल होते हैं, ये चीज आपको लिस्ट से ही पता चलेगी। और यहाँ जो फॉर्मूले हैं कॉमन फॉर्मूले जो कि फॉर्म
क्यूरी एंड पेबल तीनों में अप्लाई होते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहां पे डी लुकअप जैसे फॉर्मूला खोजने लगते हैं, तो ऐसे फॉर्मूले यहां नहीं मिलेंगे आप, क्लियर है। तो आप जो है इनबिल्ट फॉर्मूला लगाने से पहले अपनी मैथमेटिक्स जी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जी हाँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि सिस्टम डेट दे दे, तो डेट एंड टाइम में आया मैं, डेट एंड टाइम, और यहाँ पे डे, यहाँ पे डेट सीरियड मिनट सेकेंड मंथ नेम वीक नेम ईयर, इसमें आप देख सकते हैं कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि सिस्टम डेट उठा ले, है यहाँ पे नहीं है ना, सिस्टम नहीं डेट उठा ले नहीं नहीं है। अगर मैं इसको कन्वर्जन में, तो अलग, ये तो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं। कन्वर्जन में आपके पास है आपका डे आवर मिनट सेकेंड स्ट्रिंग टाइम सीरियल एंड ईयर का फॉर्मूला, ओके। डेट एंड टाइम भी चेक कर चुका हूँ, फाइनेंशियल में होने का सवाल ही नहीं है, इंस्ट्रक्शन में होने का सवाल नहीं है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी होने की सवाल नहीं है। प्रांग फ्लो में यहाँ पे चूज और इफ है, और टेक्स्ट के अंदर यहाँ भी आपका डेट फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि आप यहाँ पे डिफॉल्ट सिस्टम डेट नहीं डाल सकते। कहीं डाल सकते हैं डिफॉल्ट सिस्टम डिफॉल्ट डेट, सिस्टम नहीं जी हाँ, आपको डेट डालना ही होगा, ठीक है। जी। एक काम करते हैं, हम कैलकुलेटेड को हटाते हैं, इसको हम डेट एंड टाइम करते हैं, और यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू पे आते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इन तीन डॉट पे क्लिक करते हैं, और इसके अंदर हम फंक्शन को क्लिक करते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस, एंड इसके डेट एंड टाइम में देखते हैं। अभी देखिए इसके डेट एंड टाइम में थोड़ा सा अलग आ गया, आ गया। जी। तो यहाँ देख सकते हैं डेट का फॉर्मूला, रिटर्न द वेरिएंट टाइप कंसिस्टेंस द करेंट सिस्टम डेट, लिख गया। अब इसको अप्लाई कर देते हैं एंड क्लोज कर देते हैं। तो यही पे मैं बताया कि कुछ फॉर्मूले हर जगह पे अलग अलग फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, तो मुझे यहाँ पे करेंट सिस्टम डेट डालिए, तो कैलकुलेट ना करके मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया, तो मतलब क्या होगा इसमें कि हम जब सेव करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम अपनी अपनी हिसाब से चेंज कर सकते हैं, और यहाँ जी हमारा डिफॉल्ट सिस्टम डेट भी रहेगा, जी जी समझ गए। जी बट इसमें दिक्कत क्या है कि कैलकुलेटेड होता है, उसमें आप किसी तरह का चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर बट सिस्टम डेट में आप चेंज कर पाए, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू हमने दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो डेटा डलेगी उस पे आपको डिफॉल्ट वैल्यू आएगा, जो ऑलरेडी डल चुकी है उस पे नहीं आएगा, जी समझे, जी क्लियर है। तो हाँ ये जी हमारा, मान लीजिए हम यहाँ पे सेल्स टाइम देते हैं, तो क्या टाइम के लिए कुछ है, तो पहले हम कैलकुलेटर में चेक करते हैं, हालांकि मैं चेक कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार और इसके अंदर चेक करते हैं कि फंक्शन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस में डेट एंड टाइम में है, यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि टाइम प्रेजेंट करे, तो चलिए हम इसको कैंसिल करते हैं, और यहाँ पे हम इसको डेट एंड टाइम रख देते हैं, और डेट एंड टाइम में डिफॉल्ट वैल्यू पे आते हैं, और यहां पे क्लिक करते हैं, और फंक्शन में जाते हैं, बिल्ट इन फंक्शंस डेट एंड टाइम, तो यहां पे आ सर रहा, बोलिए क्या बोल रहे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये डेट एंड टाइम मैं डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा टेबल नहीं ओपन हो रहा है सर, ये जो पॉपअप आ रहा है एक्सप्रेशन बिल्डर। नहीं, वैसे नहीं आता, मैं यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू में जाता हूँ, और यहाँ तीन डॉट पे क्लिक करता हूँ, ध्यान से देखा कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, जी, समझा, ठीक ठीक है। अब यहाँ पे जी आता है डे मंथ टाइम, और टाइम टाइम क्या करता है कि वेरिएंट द करेंट सिस्टम टाइम, आ गया टाइम, तो आ टाइम को गया मैंने ले लिया एंड ओके किया, ठीक है। जी। अब यहाँ पे आपका इनपुट मार्क्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 मिनट सेव हो गया,
आपका कौन सा टाइम चाहिए, लॉन्ग डेट, मीडियम डेट? एरा टाइम, मीडियम टाइम। हमने मीडियम टाइम को सिलेक्ट करके नेक्स्ट एंड फिनिश कर दिया, ठीक है। जी अब इसको सेव करते हैं यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको टाइम ऑटोमेटिक आया, और ये भी सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, कि टाइम, अब जी यहाँ पे आप जो है टाइम चेंज कर सकते हैं या डिफॉल्ट टाइम आए, लेकिन हमने सीरियल टाइम सिलेक्ट कर लिया, तो क्या हुआ, एएम पीएम आ गया, जी ठीक है। जी चलिए, तो दो चीज यहां सीखा, एक आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा तो क्या हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसी में करते हैं। जैसे यहां पे मैंने बोला कि मेरा क्वार्टर वन का सेल जो कि नंबर में है, यानी यहां पे ये काम करता हूं, बाय, हमने एक प्रोडक्ट को बाय किया, देन यहां पे सेल, हमने प्रोडक्ट को सेल किया। अब मुझे यहां पे प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। तो जी प्रॉफिट परसेंटेज में कैलकुलेशन करना चाहता हूं, तो मैं कैलकुलेटेड में गया, और यहां यहां क्या करेंगे, प्रॉफिट का क्या कोड है, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, कि बाय माइनस, नहीं, सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। तो हमने बड़ी ब्रैकेट में लिखा, लेकिन ब्रैकेट यूज करेंगे बोर्ड मास के लिए, कि बड़ी ब्रैकेट में सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, लेकिन इन्वर्टर कोमा में, इसे बड़ी ब्रैकेट में, सॉरी, बड़ी ब्रैकेट में जरूर रखिएगा, एंड हम ओके करते हैं। आ गया। अब यहाँ फॉर्मेट में आते हैं, और यहाँ पे हम परसेंटेज का फॉर्मेट दे देंगे, क्या ओके इरा परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे इसको करते हैं क्लोज एंड सेव, और यहाँ पे क्लिक करते हैं। मान लीजिए कि बाय हमारा 50 है और सेल हमारा 60 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 20% अपने आप कैलकुलेट हो गया। अब परफेक्ट बोलेंगे सर ये इतना बड़ा लेंदी फॉर्मूला तो नहीं था, कुछ लेंदी कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, एक और टेबल हमने डिजाइन किया। अब इसका हम लोन कैलकुलेशन एलसी के नाम से टेबल बना रहा हूं। अब इसमें आईडी हो जाता है, और यहां पे मैं नेम डाल देता हूं, जो कि जनरली ऐसे मेकअप करने के लिए, और यहां पे हम डालते हैं प्रिंसिपल जो कि नंबर होगा, रेट जो कि आल्सो नंबर होगा, लेकिन ये नंबर में लॉन्ग इंटीजर नहीं होगा, ये डबल होगा, क्योंकि जब भी हम डेसिमल डालते हैं तो वो डेसिमल डेसिमल में होता है, और हम इसकी जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट को हम लेते हैं यहाँ पे, फॉर्मेट इज द परसेंटेज, ठीक है। जी अब टाइम जो है हमारा नंबर होगा। अब मुझे यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट। अब अमाउंट कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए मैथमेटिक की बात करें तो अमाउंट कैलकुलेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं अगर कहीं और करता हूँ यहाँ पे, कि इट मीन अमाउंट इक्वल टू पी, सॉरी मेरा ड्राइंग थोड़ी सी खराब है माउस नहीं की, चलिए तो पी मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर डिवाइड बाय एन पावर ऑफ टी, तो टाइम मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। अब इस कोड को हमें डालना है कहाँ पे, अमाउंट में यहाँ कैलकुलेटेड सिलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पी, तो स्क्वायर ब्रैकेट में पी लेता हूँ, पी
मल्टीप्लाई बाय इन द इन्वर्टेड कॉमा वन प्लस अगेन आर आर डिवाइड बाय एन, मतलब 12 मंथ ईयरली मंथली है इसलिए 12 हो गया 12, ठीक है, एंड पावर ऑफ बड़ी ब्रैकेट में टी मल्टीप्लाई बाय एन एन सॉरी टी भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा और एन भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा, ठीक है, और फिर ये जी दोनों ब्रैकेट में होंगे और फिर ए पी के साथ एक और ब्रैकेट यहां लगेगा जो कि क्योंकि पी फाइनल कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई करेगा ना, जी तो ये हमने कर दिया, देन ओके करते हैं, एक्सप्रेशन एंटर द मिसिंग द क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके नहीं दिया इसमें, और एक मिनट राइट क्लिक करके हम जाते हैं जूम पे, थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे बड़ी ब्रैकेट पी मल्टीप्लाई बाय एक ब्रैकेट लिया एक और ब्रैकेट लिया वन प्लस एक और ब्रैकेट लिया आर डिवाइड बाय एन, मतलब कि 12, ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड ये हो गया आपका ए, ये पावर ऑफ अगेन मल्टीप्लाई किया टी टी मल्टीप्लाई बाय एन, मतलब कि 12, ठीक है, और इसको भी हम ब्रैकेट में डालते हैं। अब इन दोनों को एक और ब्रैकेट में डालते हैं, तो एक बार देख लेते हैं, हमने तीन ब्रैकेट ओपन किया, एक तो यहां क्लोज हो गया, एक यहां क्लोज हो गया और एक यहां क्लोज हो गया, सही है। सर, ये टी में आपने बड़ी ब्रैकेट दो हाँ डाली है। यहां पर ब्रैकेट दो डाल दी, ठीक है, एंड करते हैं ओके, क्या बोल रहा है, क्लोज पैरेंथेसिस वर्टिकल बार द एक्सप्रेशन यू एंटर्ड इज मिसिंग क्लोज पैरेंथेसिस क्लोजिंग वाला में कोई कम है सपोज। सब तो क्या हुआ आर, यहाँ पे पी क्लोज है, ये है यहाँ पे आर क्लोज है, ये है यहाँ पे टी क्लोज है, ये है किधर है, मैं इसको क्लोज करते हैं, नहीं एक का दिक्कत आ गया जूम में, वन प्लस आर डिवाइड बाई 12, ठीक है, फिर ये वन प्लस इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया, एक कैलकुलेशन ही हो गई, फिर हमने पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई 12 किया, इसको भी मैंने ब्रैकेट में रखा, फिर ये एक कैलकुलेशन हो गए जी और फिर एक कैलकुलेशन ये हो गए, इसको टी कैपिटल, हालांकि कैपिटल स्मॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मेरे कैपिटल में होगा और ये आर भी कैपिटल में होगा, आर ये हो आर सकता हो है कैपिटल सकता में, पी भी कैपिटल के बराबर। है, ठीक है, नहीं, सही, पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दें, बोला मिसिंग, सही तो है कैलकुलेशन, दिक्कत इसमें मुझे तो ठीक लग रहा है सर।
वैसी प्रॉब्लम होती है तो हम उसको वन बाय वन कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। जी जैसे जी क्योंकि कैलकुलेशन तो करना है, जी जी तो हम सबसे पहले हम इन द ब्रैकेट वन प्लस ब्रैकेट में आर डिवाइड बाय हम करते हैं 12, ठीक है, एंड ओके करते हैं। मिसिंग ये भी क्लोजिंग कर ब्रैकेट। सेम सेम अच्छा एक काम करता हूँ मैं, ए बड़े भाई के ए जो है इसको हटा देता हूँ, देखें अभी भी आ रहा है। सर। 12 को भी ब्रैकेट में तो नहीं डालना है जैसे हम हाँ आर और उसको हाँ डाल रहे हैं। एक मिनट चाहिए, मैं इसको बड़ी बैगर में डालता हूँ और ये चेंज करता हूँ, इसको ऐसे करता हूँ। नहीं कुछ प्रॉब्लम है सर इसके साथ। वन प्लस आर डिवाइड, ओके मैं अगर मान लीजिए इसको वन प्लस भी हटा देता हूँ, ठीक है, एन ओके करता हूँ। अब ले लिया इसने, अब मैं वापस रूम में जाता हूँ, इसको वन प्लस कर देता हूँ, वही भी ले लिया, ठीक है। और वापस हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं और इसका पावर लेते हैं, क्लोजिंग पावर ऑफ बड़ी ब्रैकेट में टी मल्टीप्लाई बाय आर, टी ये मल्टीप्लाई बाय 12 12,12 हाँ 12, हाँ सॉरी 12 दे लिया। ले लिया तो ले अगर लिया प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से वन बाय वन हम कर लेते हैं, जी, परफेक्ट सर यहाँ का परफेक्ट। टी पी मल्टीप्लाई बाय और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ले लिया, परफेक्ट है परफेक्ट परफेक्ट जी। तो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे मैंने जी दिया पूजा, यहाँ पे दिया प्रिंसिपल 50,000, यहाँ पे आर दिया हम 10% और टाइम दिया 15, तो अमाउंट आप देख पा रहे हैं, जी 15 साल हो गए ना, 3 साल करता हूँ, आप सही है, ठीक है। जी जी ओके अभी देखिए काफी ज्यादा डेसिमल प्लेस में आ गया, तो हम क्या करेंगे, डिजाइन में जाएंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे और ये रिजल्ट डबल है, तो सबसे पहले हम डबल वो कर देते, लॉन्ग कर देते हैं, इंटीजर कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डेसिमल गायब हो जाएगा, नहीं तो फिर राउंड का फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि क्यों नहीं आया पता है आपको सर, क्योंकि इंटीजर, अब मैं 50,000 की जगह पे यहाँ पे 10,000 करता हूँ, अब आ गया, क्योंकि इंटीजर जी 32,000 से ज्यादा नहीं लेता है, इंटीजर कहाँ कितना नहीं लेता है, 32,000 से ज्यादा, 32,000 जी हाँ। तो इसलिए यहाँ पे आप लॉन्ग इंटीजर करें तो बेटर रहेगा, तो लॉन्ग इंटीजर जी ज्यादा अमाउंट लेता है, तो अगर 32,000 से ऊपर का डेटा है तो शुड बी सिलेक्ट द लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। या और यहाँ पे ठीक मैं है 50,000 कर देता हूँ, तो देखिए आ गया 37,409। तो इस तरह की जी आप जो है क्रिटिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कर सकते हैं, जी राइट, जी नहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। नहीं रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड, स्टॉप्ड, रिकॉर्डिंग इन रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। प्रोग्रेस। अब हम बात करते हैं, हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिए, पिछले टॉपिक में हमने क्या किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया कि आप इसमें कैसे प्लस माइनस जोड़ घटाव गुणा भाग का इस्तेमाल करके आप फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है फॉर्मूले की, कि हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम एक एक करके आते हैं फॉर्मूले पे, सबसे पहले हम बात करते हैं डेट फॉर्मूले की, ठीक है। और एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देता हूं, हम बात करते हैं डेट फॉर्मूले की, डेट कैलकुलेट, डेट एंड टाइम कैलकुलेशंस की, ओके। तो हम यहाँ एक और जी टेबल डिजाइन करते हैं और ये
यहां पर राइट क्लिक कर हम डिजाइन व्यू में जाते हैं। और यहां पे हम देते हैं डेट, और डेट रिजर्व वर्ड है तो हम यहां पे डेट 1 कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे डालते हैं डेट, जो कि हमारा डेट होगा। मान लीजिए डेटा चाहिए होगा ना, इसलिए हमने इसको डेट एंड टाइम कर दिया। उसके बाद यहां पे हम देते हैं डे, मुझे डेट में से क्या चाहिए, डे ईयर चाहिए। मैं चाहता हूं इस डेट में से क्या निकल के आए, ईयर निकल के आए। तो ईयर भी रिजर्व वर्ड है तो हम यहाँ पे डी ईयर कर देते हैं। क्या करते हैं, डी ईयर डेट। अब यहां हम कैलकुलेट करते हैं, मैं चाहता हूं जो डेट हम सी डेट में जो डेट डालेंगे ना उसका डे ईयर अलग हो जाए। तो आप यहां पे जो है बिल्ड फंक्शन में देखेंगे डेट एंड टाइम में आपके पास ईयर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो मैं यहां ईयर फॉर्मूले के अंदर हम सी डेट लगा देंगे बड़ी स्क्वायर ब्रैकेट में सी डेट। तो ये क्या करेगा, ईयर अलग कर देगा, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पे लेता हूं मंथ के, यहां पे डी मंथ, मुझे इसका मंथ अलग करना है। तो वापस मैं आता हूं अपना कैलकुलेटेड के अंदर फंक्शंस, बिल्ड फंक्शंस। आप यहां डेट एंड टाइम में देखेंगे मंथ, क्या देखेंगे मंथ, ठीक है। तो इस पर डबल क्लिक करके यहां लगेगा, बट यहां एक्सप्रेशन डेट को डिलीट करके इसके जगह पे आपको डेट डालना होगा कि यहां पे सी डेट। तो डेट में से क्या अलग कर देगा, मंथ को अलग कर देगा, ठीक है। और वापस हम डे करते हैं कि डी डे, क्योंकि डे नाम का फॉर्मूला ऑलरेडी है ना, इसलिए वापस कैलकुलेटर में आते हैं और बिल्ट इन फंक्शन के अंदर आप डेट एंड टाइम में देखेंगे डे का, इसका देखेंगे डे का फॉर्मूला। तो डे फॉर्मूले क्या करेगा, किसी भी डेट से डे को अलग करेगा, किसको अलग करेगा, डे को। तो चलिए इसका इसका हम ये दिखाते हैं कि कैसे वर्क किया इसने। देखो इसको क्लोज करते हैं और यहां से सेव करते हैं। ओके, कैन नॉट कैलकुलेट विथ सेव विदाउट द वैलिड एक्सप्लेनेशन, इसमें क्या दिक्कत हो गया। राइट क्लिक करते हैं जूम, यहाँ पे हम डे ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट सिंपल सा सी डे क्लोज एंड यहाँ पे देन ओके एंड यहाँ पे यस। फिल नॉट एडेड द क्या दिक्कत हो गया इसमें, अच्छा एम मंथ में यहां में दिक्कत है, ये तो सही है मंथ वाले में प्रॉब्लम। तो यहां पे हम राइट क्लिक करते हैं, यहीं पे लगा सकते हैं या जूम कर दीजिए, जूम कर देता आपको दिखे यहां पे मंथ, मंथ के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में सी डेट एंड क्लोज कर दिया एंड ओके। अब सेव कीजिए, अब हो जाएगा, हो गया। अब यहां पे डेट पे आते हैं। अब जैसे ही मैं यहां पे डेट सेलेक्ट करूंगा, इस डेट में से ईयर मंथ और डेट अलग हो जाएगा। टाइप प्रेस कीजिए, देखिए 2023 पांचवा महीना और 4 तारीख। और मान लीजिए कि अगर यहां पे अलग अलग डेट में टाइप करता और यहां पे कंबाइन करता, क्योंकि यहां तो डेट है इसलिए अलग कर दिया, लेकिन मेरे पास अलग अलग डेट है, मुझे इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो आते हैं डिजाइन व्यू में, यहां पे सीबी डे, अब यहां पे कैलकुलेटेड, और कैलकुलेटेड में यहां हम लगाएंगे, यहां पे आप देखेंगे डेट सीरियल का फॉर्मूला दिखेगा, इसका दिखेगा डेट सीरियल। डेट सीरियल में आप ईयर मंथ डे डाल देते हैं, यहां पे डाल देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं सारे को पहले, यहां डालते हैं ईयर मंथ और डेट है ना। तो ईयर के लिए हमारे पास क्या है, डी ईयर है, हम यहाँ पे डी ईयर डाल देते हैं कॉमा, उसके बाद मेरे पास क्या है डी मंथ, डी मंथ डाल दिया कॉमा, उसके बाद
दी डे जाते हैं, तो क्या हुआ ये दोनों को कंबाइन कर दे। ठीक है, सेम उसी तरह से टाइम में देखेंगे तो आपको टाइम को भी सेम, अगर हम बिल्ट फंक्शन में चलते हैं यहां पे आवर मिनट एंड सेकेंड, और ये नंबर होना, नंबर होना चाहिए, नंबर नंबर नंबर, और यहां पे टाइम। तो टाइम के लिए भी आप यहां पे कैलकुलेट में जाते हैं, और यहां पे फंक्शंस बिल्ड फंक्शंस, और यहां पे डेट एंड टाइम, तो यहां भी आपको दिखेगा टाइम सीरियल। तो आपके पास एक है डेट मिनट, डेट ईयर मंथ्स अलग अलग करता है, उसी तरह से यहां पे आपको यहां पे आवर मिनट सेकेंड अलग अलग कर देगा, और टाइम सीरियल तीनों को कंबाइन कर देगा। तो आवर मिनट सेकेंड फॉर्मेट में देना पड़ेगा। तो यहां पे हमने दिया एच आवर कॉमा, अच्छा एम के जगह एन हो गया, तो एन मिनट कॉमा एस सेकेंड, एंड ओके करेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने मंथ निकाला नंबर में, मुझे मंथ नेम चाहिए, क्या चाहिए मंथ नेम, मतलब कि संडे मंडे जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो होता है वो चाहिए। तो इसके अंदर बिल्ट फंक्शन में, हालांकि डेट फॉर्मूले के अंदर मंथ एक मंथ नेम का फॉर्मूला होता है, लेकिन डेट एंड टाइम में कहीं मंथ नेम का फॉर्मूला यहां दिख रहा है, दिख रहा है, मंथ नेम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर टेक्स्ट में एक फॉर्मेट फॉर्मूला होना चाहिए। नहीं, फॉर्मेट फॉर्मूला इसके अंदर नहीं है, ऑल में देखें फॉर्मेट है, फॉर्मेट इसकी वीवीए वाले पार्ट में आएगा, इसमें फॉर्मेट नहीं है, तो आपको मंथ नेम से ही काम चलाना पड़ेगा। तो डेट एंड टाइम में मंथ नेम आया, और मुझे इसमें मंथ नंबर में चाहिए, और उसको जनवरी फरवरी में कन्वर्ट कर दे, तो मंथ नंबर में कौन सा है, मंथ नंबर में यहां है डी मंथ, तो यहां पे हम डी मंथ को सिलेक्ट करते हैं। अब यहां पे ओके कर देते हैं, अब करते हैं कैलकुलेशन क्लोज एंड सेव। अब यहां डेट पे ओपन करते हैं, तो जैसे टाइम अगर मैं डाल दिया कि 10 बजे सेकेंड 30 कर दिया, और यहां पे कर दिया, तो देखिए 10:30 और 30 मिनट और 25 सेकेंड आ गया, और ये देखिए मई जो है आप देख सकते हैं 4 को 5 को इसलिए मई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो डेट एंड टाइम की फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए प्रैक्टिस, कल हम अगली कैटेगरी के फॉर्मूले में बात करेंगे।